चैनल फन फूडी। आप लोग तो जानते ही हैं कि विंटर सीजन में टमाटर कितने सस्ते होते हैं और समर सीजन में टमाटर के दाम एकदम हाई हो जाते हैं। तो चलिए, यही सही टाइम है जब हम टमाटर को गर्मियों के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी तीन ऐसे मेथड जिससे आप टमाटर को बिना प्रिजर्वेटिव के भी 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। आज से पहले आपने इस ट्रिक को कभी नहीं देखा होगा। बिना किसी झंझट के, बिना उबाले टमाटर को 2 साल प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो आइए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आज आपको टमाटर प्रिजर्व करने के लिए तीन मेथड बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें प्रिजर्व करने के लिए टमाटर किस तरह से लेने हैं। इसके लिए आपको टमाटर एकदम साफ सुथरा लेना है, जिसमें ना कोई दाग धब्बा हो और ना ही कोई गला हुआ टमाटर हो। गाइस, टमाटर खराब होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जहाँ से टमाटर, ये देख रहे ना आप, जहाँ से हमारा टमाटर की स्टेम होती है वो अगर खुला है तो उसमें जब एयर चली जाती है तो इसी से हमारे टमाटर खराब हो जाते हैं। और इसमें एयर ना जाए इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें लेना है एक सेलो टेप, और सेलो टेप को थोड़ा सा टुकड़ा काट कर उसे इस जगह पर लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपके टमाटर एकदम सील हो जाएंगे और जिससे हवा इसके अंदर नहीं जा पाएगी और टमाटर हमारे बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे टमाटर पर सेलो टेप लगा दिया है। अब इनके खराब होने का कोई चांस नहीं है। आप 15 से 20 दिन के लिए इन्हें प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब आइए बताते हैं आपको लॉन्ग टाइम के लिए आप टमाटर को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं साफ सुथरे से लाल लाल टमाटर और इन्हें हम साफ पानी से धो लेंगे, क्योंकि इस मेथड में हमें टमाटर को पहले धोना होगा। गाइस, आप तो जानते ही हैं कि आजकल सब्जियों में कितने कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, तो जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए आप इन्हें प्रिजर्व करने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लें और साफ पानी से धोने के बाद इन्हें अच्छी तरह से पोंछ लें। तो गाइस, टमाटर तो हो गए नहा धो के बिल्कुल साफ सुथरे। तो आइए अब इनको प्रिजर्व करते हैं। अब आपको लेना है एक एयर टाइट कंटेनर। आपको जितने टमाटर प्रिजर्व करने हैं आप उसी हिसाब से कंटेनर लें। अब हमें टमाटर को कट करना है, तो मैंने यहाँ पर टमाटर को स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसका ऊपर वाला पार्ट कट करने के बाद हमें टमाटर को 4 या फिर 6 स्लाइसेस में कट कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं इन्हीं मेथड को फॉलो करके टमाटर को प्रिजर्व करके रखती हूँ, जिससे मेरे टमाटर पूरे साल भर तक सही रहते हैं। समर सीजन में आप लोग तो जानते ही हैं टमाटर कितने महंगे हो जाते हैं। उस टाइम कई बार हमें सब्जी बिना टमाटर के बनानी पड़ती है, और कितनी सब्जियां ऐसी होती है कि जिनमें टमाटर ना पड़े तो उसमें स्वाद नहीं आता। वैसे तो सब्जी बिना टमाटर के भी बहुत अच्छी बन जाती है, लेकिन जब उसमें टमाटर पड़ जाए तो और ही गजब। अब इसे बंद करके हम फ्रीजर में रख देंगे। तो एक तरीका तो ये हुआ कि आप इसे कट करके रखें, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे किसी भी कंटेनर में इस तरह से टिश्यू पेपर बिछाकर जितने टमाटर आपके कंटेनर में आ सकते हैं आप उतने टमाटर इस डिब्बे में बंद कर दें। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इससे पूरे साल भर, तो क्या 2 साल तक टमाटर को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग टमाटर को प्रिजर्व करने के लिए उसे बॉयल करते हैं, छानते हैं, फिर प्यूरी बनाकर रखते हैं। गाइज, अगर आप इस तरह से टमाटर को प्रिजर्व करते हैं तो आपके पैसों के साथ साथ आपके टाइम की भी बचत होगी। बस आप इस तरह से साबुत टमाटर को भी फ्रीजर में फ्रीज करके रख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई कंटेनर नहीं है तो आप इस तरह की किसी भी पॉलिथीन में टमाटर को पैक करके रख सकते हैं। अब इस तरह से पॉलिथीन तो हम सभी के घर में होती ही है। अब सारे टमाटर को आप पॉलिथीन में डालकर फ्रीजर में रख सकते हैं। आपका किसी भी तरह का कोई फालतू खर्च भी नहीं होगा। तो आइए जान लेते हैं प्रिजर्व करने का तीसरा मेथड। इस मेथड में हमें टमाटर को धो के साफ सुथरे कपड़े से पोंछ कर इसकी प्यूरी बनानी है। तो मैंने सारे टमाटर को मिक्सर जार में डालकर इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। तो देखिए गाइज, मैंने पल्स मोड पे चलाते हुए टमाटर की प्यूरी बना ली है। हमें गाइज इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टमाटर की प्यूरी बनानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम इसे प्रिजर्व कैसे करेंगे, तो आइए मैं बताती हूँ आपको इसका एक आइडिया। तो इसके लिए आपको चाहिए एक आइस ट्रे, वो जिसमें हम बर्फ जमाते हैं ना, हमें वही ट्रे लेनी है और इसमें सारी प्यूरी को भर के रख देना है।
इस मेथड से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, स्पेशली जब आप कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे। आपको मसाला भूनने में बहुत आसानी रहेगी। आप इस ट्रे में से टमाटर को निकालिए और डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग है तो आपके लिए तब तो ये बहुत ही फायदे वाली ट्रिक है। अब इस मेथड में आपको कोई भी अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, इस सीजन में आप टमाटर को लेकर इसी तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आपको यकीन मानिए, आपके टमाटर पूरे साल भर तो क्या 2 साल तक भी टमाटर खराब नहीं होंगे, क्योंकि अब विंटर सीजन जाने वाला है और गर्मियों का सीजन आने वाला है, तो गर्मियों में अक्सर टमाटर बहुत ही महंगे होते हैं। तो अब यही सही समय है, हम टमाटर को इस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसमें कोई मेहनत भी नहीं और कोई झंझट भी नहीं है। टमाटर को ट्रे में फिल करने के बाद हम इसे एज इट इज फ्रीजर में रख देंगे, और जब भी आपको इसे यूज करना है आप इसे निकालिए और डायरेक्ट यूज करिए। तो गाइस, आइए मैं दिखाती हूँ आपको ये मेरे लास्ट लेयर के कुछ टमाटर। तो देखिए, इनमें बर्फ जम चुकी है, और देखा गाइस, देखने में भी ये कितने अच्छे लग रहे हैं। फ्रीजर में से निकालने के बाद ये थोड़ी देर में ही सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे इनका छिलका आसानी से रिमूव हो जाता है। तो आइए मैं आपको इनकी आवाज सुनाती हूँ। इसकी आवाज से तो आपको पता ही चल गया होगा ये कितने हार्ड हो गए हैं, क्योंकि इसमें बर्फ जमी हुई है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि ये थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए, मैं इसकी स्किन भी आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। इसकी स्किन बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाती है। आप इसकी स्किन को रिमूव करके आसानी से काट कर किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं। तो आपको ये मेरा मेथड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कितनी आसानी से इसका छिलका भी रिमूव हो गया, और ये आसानी से कट भी सकते हैं। इसी तरह से जो हमने कंटेनर में टमाटर को काट के रखा था, मैं उसे भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये टमाटर भी हमारे पूरी तरह से बर्फ से जम चुके हैं। अब आप चाहे तो इसकी भी स्किन को रिमूव करके इसे काट कर सब्जी में यूज कर सकते हैं, या फिर इसे आप थोड़ी देर के लिए अगर बाहर रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और इजीली इसका फाइन पेस्ट बनाकर आप किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं। तो गाइस, इसी मेथड से आप टमाटर को प्रिजर्व करके रख सकते हैं और गर्मी में अपने ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाकर आइस ट्रे में सेट किया था, उसका क्या हाल है। तो वाओ गाइस, देखिए टमाटर के कितने छोटे छोटे से क्यूब बनकर रेडी हो गए हैं। इनका यूज तो और भी आसान है। आपको इसे डायरेक्ट ट्रे से निकाल कर मसाले के साथ भूनकर सब्जी में यूज कर लेना है। देखने में भी ये बहुत क्यूट लग रहे हैं। तो गाइस, देर किस बात की है, जल्दी से जाइए टमाटर को लेकर आइए और इसी तरह से प्यूरी बनाकर पूरी गर्मियों भर टमाटर का टेस्ट लीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा मेथड पसंद आया। आई होप सारे ही मेथड आपको पसंद आए होंगे। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक